पड़ने मरने गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा? किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा, ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अकल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अकल नहीं है? मेरी अकल तो फेल हो गई है निशा। He's so handsome. He's so cool. He is Superman. You're too much यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। फंस तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, ही इज माय ड्रीम मैन, ही इज माय हीरो। तुझे पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए चुप रहो यार। राहुल, ये पापा को क्या हो गया यार? I think it's professional jealousy. हाँ। रास्कल, लकी रास्कल, बच्चा साला, कैसे, कैसे? सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम पांच लोग थे सर।
और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर? एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर हो। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रहकर भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके?
You pushed me. Sorry. Hey, sorry. What sorry mean? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way, yeah. Bill ek manta nahi. Bill to pagal hai. Bill to diwana hai. Khaya piya kuch nahi. I'm Bill de chuka hai sanam. Yeah. नशे में है? नशा बनाए होश में है मैन. नशा देखते हैं तो क्लब 2000 जाओ. नशा वहां से कहां कहां सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा. जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ. यू कैन डू इट मैन. देखा है क्लब 2000. मीटर डाउन करो. टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर. मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ. अगर पापा को पता चल गया तो मेरी फन मैन एंजॉय मेक द बेस्ट ऑफ इट. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? गॉर्जियस. आई एम रियली नर्वस यार. बस पापा को ना पता चले. देख निशा वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है. एक्सक्यूज मी. तू कहाँ जा रही है? रिलैक्स काजल मैं अभी आ रही हूँ. नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती. ड्रिंक तो यहाँ दिखा नहीं पीता था की पीता था. तू कहाँ जा? आई मिस्ड यू. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? इट्स ओके. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे. गुड. रियली गुड. सिकंदर जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ. मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो. फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए. एक अजीब सा डर लगा रहता है पता नहीं क्यों. आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा. तुम नहीं समझोगी. मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत. मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर. आई लव यू. आई लव यू टू. सर. यस सर. वो नीचे एसीपी करण. ओके. तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो. राइट सर. ओह माय गॉड मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? व्हाट रबिश. Excuse me. Hi. Hi. याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में. टेरेस के ऊपर. कॉलेज में कौन जा? टेरेस कॉलेज जा. कॉलेज टेरेस जा. कौन सा कॉलेज जाए क्या मेरे मन में? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? चीका पास. Excuse me. Excuse me. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं. पहचाना नहीं? हम पहचाना नहीं. याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे. टेरेस पे. जब वो गुंडे आ गए थे. गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरिस पे पास में लगा चाइनीज गुंडा. टेरिस किधर गया? हाय करण जी उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं एहसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ. आई एम अर्जुन सिंह पापा. नहीं अर्जुन सिंह इज माई डॉटर. नहीं नहीं आई एम काजल. आई एम अर्जुन सिंह डॉटर. नाइस टू मीट यू. सेम है. प्रियंका. प्रियंका. प्लीज पापा से कुछ मत कहना. ओके बाय. थैंक यू. सेम है. गावा साहब वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर. हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर. और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ. जान बचा कर है? जान बचा कर है? माल लेने चला जा रहा है. माल से ज्यादा किसी के तेरी जान. माल से ज्यादा किसी के तेरी जान. माल.
ये खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये एसीपी गन कौन है हा?